सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे एंड गाइज आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइज यार, मैं इस वीडियो में बताऊंगा यार कि मैं वॉइस चेंज कैसे इनेबल किया हूँ, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यार, गेम टर्बो 3.0 वाला। और गाइज वो भी मैं एक ओप्पो का फ़ोन से किया था वॉइस चेंज इनेबल गाइज यार। तो इस वीडियो में आप लोग को पूरा बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के साथ। तो भाई यार, काफ़ी बंदे कमेंट करके पूछ रहे थे यार कि आपका कौन सा डिवाइस है, आपका कौन सा फ़ोन है, आप कैसे वॉइस चेंज इनेबल किए हो। तो गाइज इस वीडियो में आप लोग को पूरा बता दूंगा यार कि मैं कैसे वॉइस चेंज इनेबल किया हूँ। और गाइज शायद ये वीडियो देख के आप भी अपना मोबाइल में आप भी इनेबल कर सकते हो वॉइस चेंजर। तो भाई यार, ये वीडियो आप लोग को थोड़ा एक स्टोरी टाइप का लगेगा वीडियो, तो गाइज वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे जो भी नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो गाइज चलिए मैं बताता हूँ। तो भाई यार, गेम टर्बो के बारे में पहले बता देता हूँ गाइज। तो गेम टर्बो सिर्फ रेडमी का फ़ोन में होता है और गाइज रेडमी फ़ोन में गेम टर्बो 2.0 है, जिसमें कि गाइज आपको वॉइस चेंज का ऑप्शन नहीं मिलता है। और गाइज ये जो है गेम टर्बो 3.0 है, ये गाइज सबसे पहले आया था पोको X3 के फ़ोन में। जो भी पोको X3 का फ़ोन ले रहा था उसका हो रहा था वॉइस चेंज। तो भाई यार, पोको X2 और भी रेडमी के बहुत सारे फ़ोन में आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियो कि उनका मोबाइल में होता है वॉइस चेंज। तो भाई वो अपना मोबाइल को रूट किए, बहुत सारा सेटिंग है गाइस करने के बाद उनका मोबाइल में ये वॉइस चेंज का ऑप्शन आ गया है। लेकिन भाई अगर बात करते हैं गाइस ओप्पो वीवो रियलमी जितने भी फ़ोन है गाइस, रेडमी पोको छोड़ के यार, उसमें वॉइस चेंज का ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कि गाइस उसमें जब गेम टर्बो ही नहीं है तो यार वॉइस चेंज का ऑप्शन कैसे रहेगा। तो भाई मेरे पास भी था ओप्पो A5S का फ़ोन था यार, तो हम कैसे कर सकते थे वॉइस चेंज यार? जब आप लोग का नहीं हो रहा यार तो मेरा कैसे होगा वॉइस चेंज? मैं भगवान थोड़ी ना हूँ। लेकिन भाई हम क्या किए थे ओप्पो के फ़ोन से कि हमारा वॉइस चेंज इनेबल हो गया? तो गाइज देखो मैं बता देता हूँ, एक ऐप था नहीं है गाइज, उसका नाम है सोल्व लेंसर गाइज। उस पर गाइज क्वेश्चन मतलब रहता था गाइज, उसको सोल्व करते थे और कुछ पैसा हम लोग को मिलता था। एक क्वेश्चन का शायद 12 रुपये मिलता था, नहीं तो 21 रुपये मिलता था। तो गाइज उस ऐप पे कम से कम यार 30 से 35 हज़ार के बीच में गाइज हमारा इनकम हुआ था और उस पर हम काम किए थे उस ऐप पे। तो गाइज, तो भाई यार अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं सोल्व लेंसर तो गाइज आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके गाइज उसका टेस्ट पास करके आप भी क्वेश्चन सोल्व करके अच्छा इनकम कर सकते हैं। और गाइज जो आपका मर्जी है यार, ऐसे तो मैं बोलता हूँ यार गेम खेलने के लिए पोको X3 काफ़ी बेस्ट फ़ोन है, तो गाइज ले सकते हो आप पोको X3 भी। तो भाई मैं लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ गाइज। मेरा ईमेल पे मैसेज आता था कि इस सप्ताह आपका कितना, इस वीक में आपका कितना पैसा आया है। तो गाइज आप देख सकते हो ईमेल पे इस तरह से आता था मैसेज। तो गाइज मैंने बता ही दिया हूँ इस वीडियो में कि मैं कैसे वॉइस चेंज इनेबल किया हूँ गाइज। तो एक ऐप से कमा के गाइज मैंने फ़ोन लिया था और किया था वॉइस चेंज। तो गाइज अभी भी बहुत सारे ऐप है गाइज पैसा कमाने के लिए, तो आप लोग भी कमा के ले सकते हो गाइज पोको X3, चाहे जो आपका मन है। अगर गाइज आपको वॉइस चेंज करना है तो मैं पोको X3 लेने को कहूँगा, क्योंकि गाइज उसी में आपको वॉइस चेंज का ऑप्शन मिलेगा। और गाइज अगर आप चाहते हैं हमारे साथ गेम खेलना यार, तो गाइज डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा गिल्ड का लिंक मिल जाएगा गाइज। लिंक पे क्लिक करके हमारा गिल्ड ज्वाइन कर सकते हैं, तो गाइज आप हमारे साथ खेल भी सकते हैं गेम। और भाई डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो गाइज वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ से भी आप हमसे बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और गाइज आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा यार, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।